अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं को अपनी ही सत्तारूढ़ पार्टी के होते हुए विरोध करना भारी पड़ गया। दो दिन पहले राजकीय कन्या महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए उग्र प्रदर्शन कर सड़क मार्ग को जाम करने के मामले में पुलिस पर आरोप लगाने वाली छात्रा संघ अध्यक्षा सलोनी साहू को बुधवार को प्राचार्य की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बुधवार को प्राचार्य द्वारा हॉस्टल की छात्राओं से जबरन हॉस्टल खाली कराए जाने के लिए साइन कराए जा रहे थे, तभी छात्राओं ने कॉलेज छात्रा संघ अध्यक्षा सलोनी साहू को फोन कर बुला लिया। सलोनी अपने साथी पदाधिकारियों के साथ हॉस्टल पहुंची तो प्राचार्य रेणु शर्मा ने उन्हें बाहर निकाल दिया और मेन गेट के अंदर चैनल गेट पर ताला लगा दिया। सलोनी ने इसकी शिकायत पुलिस से की। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो आधा घंटे तक गेट खुलवाने के लिए कोशिशें की। इसके बाद डिप्टी राजेश मीणा कॉलेज पहुंचे और गेट खुलवाया। वहीं बाहर खड़े विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सलोनी साहू को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस एबीवीपी के महानगर मंत्री हंसराज चौधरी, एसएफडी विभाग प्रमुख शुभम शर्मा, इकाई अध्यक्ष सतप्रीत सिंह, मेहुल गर्ग और महेंद्र चौधरी को लेकर सिविल लाइन थाने पहुंची, जहां खबर लिखे जाने तक एबीवीपी के समर्थकों और छात्रों का जमावड़ा लगा रहा। आज हम हॉस्टल गए थे गर्ल्स से मिलने, ऐसे ही फ्रेंड थी तो उस हिसाब से गए थे, तो प्रिंसिपल मैम एकदम से आ गई। उन्होंने बोला कि सलोनी और विनीता कहाँ है, तो उन्होंने हमें नीचे बुलवाया। नीचे बुलवा के और सारी लड़कियों को गार्डन में इकट्ठा किया, गार्डन में इकट्ठा करके हमें बाहर भेज दिया गया। हम बाहर चले गए, बाहर से लड़कियों का फिर मैसेज आया कि हमें धमकी दे रहे हैं, हमसे जबरदस्ती सिग्नेचर करवा रहे हैं। तो इस हिसाब से सलोनी ने फिर बाहर से कार्यवाही करके एसपी से मिलके और मतलब मीटिंग बिठाई, पूरी हॉस्टल खुलवा के मीटिंग बिठा के और लड़कियों के बयान लिए गए। लड़कियों ने अपने हिसाब से सारी समस्याएं बताई एसपी साहब को। और बस क्या मानते हो, अगर प्रिंसिपल ऐसे जबरन खाली करवाने के लिए हॉस्टल दे दे तो हॉस्टल की छात्राएं जाएगी क्या पढ़ने के लिए, दूर दूर से गांव से आती है? हाँ, हॉस्टल की छात्राएं का क्या, रहने का कुछ भी नहीं है, बस एक हॉस्टल है वो भी प्राइवेट है, गवर्नमेंट तो है नहीं, बाकी हमारा कॉलेज गवर्नमेंट है। और हॉस्टल की लड़कियां कहाँ रहेंगी अगर हॉस्टल बंद हो गया तो उस हिसाब से सलोनी साहू ने कार्यवाही की थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है।